हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और हम FA1 की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैप्लान की एग्ज़ाम किट सॉल्व कर रहे हैं। एंड टुडे वी हैव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, चूँकि मैं डिफरेंट तरीके से इसको करवाता हूँ, तो अगर आपने टॉपिक मेरे से पढ़ा हुआ है तो यू विल बी एबल टू टैकल दीज क्वेश्चन एज वेल अकॉर्डिंग टू माई गाइडलाइंस। तो चूंकि FA1 के एग्ज़ाम किट में क्वेश्चंस कंट्रोल अकाउंट के, करेक्शन ऑफ एरर्स के, बैंक रिकंसिलिएशन के शफल हुए हुए मिक्स्ड हैं, तो मैंने सेपरेट करके बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस निकाले हैं और वो आज हम टैकल करेंगे। इसमें जो मेरे पास एग्ज़ाम किट है उसमें क्वेश्चन नंबर 217 है, वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं आफ्टर चेकिंग अ बिजनेस कैश बुक अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट। कहते हैं बिजनेस की कैश बुक को हम बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक। कहते हैं अब आप ये बताएं कि कौन सा आइटम जो है कैश बुक में जिसकी एंट्री करनी है हमने, जिसको कैश बुक में एडजस्ट करना है। बैंक चार्जेस, जी बिल्कुल। देखें बैंक चार्जेस तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट अप टू डेट होती है, कैश बुक तो अप टू डेट नहीं होती। अब इसको कैश बुक में डालने हैं कि नहीं डालने हैं, बिल्कुल डालने हैं। अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर विच वॉज डिसऑनर्ड। देखें जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है ये भी तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है, कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसको अब डालेंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड, देखें ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो ऑलरेडी कैश बुक में डले हुए होते हैं, इनको दोबारा तो नहीं डालना, अगर दोबारा डालेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, दो दफ़ा लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड, ये अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं या अनडिपॉजिटेड चेक्स हैं, ये भी कैश बुक में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इनको दोबारा नहीं डालना। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो वो तो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे तो कैश बुक में आप एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे। जब बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो ये आइटम कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा होगा, तो हम इसको लिखेंगे कैश बुक में। स्टैंडिंग ऑर्डर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट, हाँ जी बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट में जो स्टैंडिंग ऑर्डर है बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर दिया जिसकी अमाउंट फिक्स्ड है, इंटरवल फिक्स है, अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो कैश बुक में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब आपने कैश बुक में एंटर करना है, बिल्कुल करना है। तो 1, 2, 5 एंड 6, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर ए है। चलें जी अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 218, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 218 में कहता है फैटन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट पेड इन बाय फैटन्स ऑफ 3800। कहता है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, कस्टमर से चेक रिसीव हो गए हैं, कैश बुक में एंटर हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर, सप्लायर को जो चेक इशू किए जाएँ वो आउटस्टैंडिंग हो तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। 3500 का सप्लायर को इशू किए हैं जो अभी तक सप्लायर अमाउंट विड्रॉ करके नहीं ले गए तो अनप्रेजेंटेड हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे। फैटन्स बैंक अकाउंट इन द जनरल लेजर शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000। कहता है कि फैटन्स का जो बैंक अकाउंट है उसके अपने जनरल लेजर में, देखें जो अपना उसका जनरल लेजर है उस जनरल लेजर को हम बोलते हैं कैश बुक, तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितने अमाउंट से, 25,000 से। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको पता है ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। व्हाट बैलेंस डज फैटन्स बैंक स्टेटमेंट शोज, कहते हैं आप बताएं बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 25,000, डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल है, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स दी हुई है हमें, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की अमाउंट है 3,800, अभी मैं ऐड माइनस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ डाटा। अनप्रेजेंटेड चेक्स जिसको आउटस्टैंडिंग चेक्स कहा गया है वो दिए हुए हैं 3,500 के, और कहता है कि आप ये बताएं कि बैलेंस क्या शो रहा होगा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा अब आपको पता है कैश बुक में 25,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है और इन दो आइटम्स की वजह से बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस आपस में एक दूसरे से डिफर हो गया। कहता है कि अगर कैश बुक के ऊपर 25,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप बताएं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कुछ और ही कर रहा होगा ना।
अब 25,000 अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स वो हैं जो कैश बुक में ऐड हुई भी होंगी, बैंक स्टेटमेंट में से में ऐड नहीं हुई, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब चूंकि बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ऐड नहीं हुई भी, हमने बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचना है, तो ये जो 3800 कैश बुक में ऐड हुआ हुआ है इसको माइनस कर लेते हैं ताकि हम बैंक स्टेटमेंट तक पहुँच जाएँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स कैश बुक में से माइनस हुए हुए होंगे कि हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी, हमने माइनस कर दिए, बैंक स्टेटमेंट में से माइनस नहीं हुए। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है थ्रू कैश बुक, तो कैश बुक में से जो 3500 माइनस हो चुका है रिवर्स करेंगे तो ऐड कर देंगे, तो 25,000 माइनस 3800 प्लस 3500 24,700 आपके पास आंसर निकला है। ये बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कहाँ पर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, 24,700, तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट फॉर अ बिजनेस एट द एंड ऑफ जून वाज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 89.93। कहते हैं कैश अकाउंट का, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और उसकी अमाउंट है 89.93, नेगेटिव बैलेंस है। कहते हैं एट दैट डेट देयर वर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक्स 154.38, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स थे, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ $60। और कहता है इतने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग थे, मतलब अनक्रेडिटेड लॉजमेंट। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस इंटरेस्ट ऑन इट्स ओवरड्राफ्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 16.45। कहते हैं बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 16.45। वट इज़ द करेक्ट बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ द जून। अच्छा, रिक्वायरमेंट में इसने करेक्ट बैलेंस का वर्ड यूज़ किया है, तो करेक्ट बैलेंस का कॉन्सेप्ट मैंने अपने डिटेल लेक्चर में आपको बताया हुआ है। करेक्ट बैलेंस का मतलब है 100% अप टू डेट बैलेंस, जिसको एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस भी बोलते हैं। अब ये एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस या 100% अप टू डेट बैलेंस से मुराद क्या है, कि इसमें कैश बुक पे भी सारे आइटम्स रिकॉर्ड होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट के भी सारे आइटम्स रिकॉर्ड होने चाहिए, यानी 100% अप टू डेट बैलेंस चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने देखना यह है कि बैलेंस दिया कौन सा हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो 89.93 को माइनस में लिख देते हैं। अब निकालना क्या है, करेक्ट बैलेंस 100% अप टू डेट बैलेंस कैश बुक का, वो निकालना है हमने। आइटम्स हमें दिए हुए हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स 154.38, ये अनप्रेजेंटेड हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हमें दिए हुए हैं और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं हमारे पास $60 के, और आखिर में हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट के ऊपर, और इंटरेस्ट दिया हुआ जो बैंक ने चार्ज किया है 16.45। ठीक है, अभी मैंने आइटम्स लिखे हैं, प्लस माइनस मैंने नहीं किया। अब अगर आप देखें करेक्ट बैलेंस निकालना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि बैलेंस किसका दिया हुआ है। बैलेंस हमें कैश बुक का दिया हुआ है। अब कैश बुक का दिया हुआ है, तो इसका मतलब करेक्ट बैलेंस का मतलब तमाम आइटम्स रिकॉर्ड होने चाहिए, कैश बुक पे वाले भी और बैंक स्टेटमेंट वाले भी, ताकि 100% अप टू डेट बैलेंस जाए। अब आपको बताया कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक में तो ये दो आइटम ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, तो 100% ये ऑलरेडी तो रिकॉर्डेड है, दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं करने ना, डुप्लीकेशन हो जाएगी। हाँ, कैश बुक में ये वाला आइटम जो है ये रिकॉर्ड नहीं होता इंटरेस्ट का, इसको अगर हम अब रिकॉर्ड कर दें तो हमारा बैलेंस अप टू डेट हो जाएगा, ये बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज है। अब जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो हमारा नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज़ कर लिया होगा बैंक स्टेटमेंट ने, तो हमने अभी तक इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब आ गई। अब नेगेटिव बैलेंस आप इंक्रीज़ करें, आपका कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है जिसकी अमाउंट है -89.93, इसको इंक्रीज़ करने के लिए आप इसके साथ भी कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस माइनस इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, 16.45 जब आप इसमें ऐड करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो आपका कैश बुक का 100% अप टू डेट बैलेंस आ जाएगा 106.38 नेगेटिव में ओवरड्रॉन, नेगेटिव से मुराद है ओवरड्रॉन, मेक सेंस। तो ये आपका आंसर निकला है 106.38 नेगेटिव, सो बी इज़ योर आंसर, मेक सेंस। अच्छा, ये जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 220। द फॉलोइंग अटेम्प्ट एट अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय हसीन। कहते हैं हसीन ने खुद कोशिश की है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की, तो हसीन साहब ने क्या किया है,
ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 38,600, ऐड कर दिया डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड 41,200, डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड से मुराद अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स उसने माइनस कर दिए हैं, तो उसने बैलेंस निकाल लिया कैश बुक का अकॉर्डिंग टू हसीन साहब। कहता है आप एज्यूम करें द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज 38,600 करेक्ट। कहता है ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, आप कुछ देर के लिए फ़र्ज कर लें, ठीक है 38,600। वट शुड द कैश बुक बैलेंस भी, कहता है ज़रा आप निकाल के बताएं आपका कैश बुक का बैलेंस क्या आता है। हसीन साहब ने कोई मिस्टेक कर दी है इस वजह से वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि आपका बैलेंस क्या आएगा। अगर आप देखें तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, तो हसीन साहब को चाहिए था कि इसको माइनस में ले लेते, लेकिन उन्होंने माइनस में नहीं लिया, इस वजह से उनका आंसर गलत आ गया। अब हम माइनस में ले लेते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको। देखें बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है वो दिया हुआ है हमें ओवरड्राफ्ट में 38,600। ओवरड्राफ्ट का मतलब हम नेगेटिव में ले लेंगे। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, अभी सिर्फ मैं लिखने लगा हूँ, ऐड माइनस नहीं करने लगा। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं हमारे पास और वो हैं 41,200 की, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं हमारे पास, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमें दिए हुए हैं 3,300 के, और कहता है कि आप निकालें बैलेंस क्या निकलेगा एज पर कैश बुक। चलें जी 38,600 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, और कहता है कि आप बताएं कैश बुक का बैलेंस क्या निकलेगा। तो हम इन अन दोनों चीज़ों का एडजस्ट ऐसे करेंगे कि हमें कैश बुक का बैलेंस पता चल जाए। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स तो कैश बुक में ऐड हुए हुए होंगे ना, नेगेटिव बैलेंस कम हुआ हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस तो कम नहीं हुआ हुआ। हमें ज़ूम करते हैं कि कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। तो ये जो माइनस 38,600 है कि जब इसमें वो चेक्स क्लियर होके आ जाएंगे तो ये माइनस कम हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे 41,200, ठीक है। अच्छा अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज़ हुआ हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का इंक्रीज़ नहीं हुआ हुआ। बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के इक्वल लेके आना है। अब हम बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस नेगेटिव इंक्रीज़ करेंगे, नेगेटिव इंक्रीज़ करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस करें 3,300, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 700 नेगेटिव में। 700 नेगेटिव का मतलब है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका आ गया है, तो सी इज़ योर आंसर, मेक सेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड यू एडजस्ट द कैश बुक फॉर व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहता है जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो कौन से आइटम्स को कैश बुक में अब रिकॉर्ड कर देंगे, लिख देंगे। तो देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, देखें ये तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड होते हैं, दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगी। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी रिकॉर्डेड होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ओमिटेड, हाँ बैंक ने हमारे बिहाफ पे जो हमारे सप्लायर को पेमेंट कर दिए हैं वो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं की, भूल गए, अब उसको रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने जो चार्जेस डिडक्ट किए हैं वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक ने रिकॉर्ड किए होंगे, अब हम कर देंगे, तो 3 और 4, मेक सेंस। अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन में वो कहता है द बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस एट द बैंक 1360 व्हाइल कैश बुक बैलेंस ऑन द सेम डे 1250, हाउ शुड दिस डिस्क्रिपेंसी बी एक्सप्लेन। कहते हैं बैंक स्टेटमेंट उठा के देखिए तो बैलेंस 1350 आ रहा है, नहीं बताया हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव है, जबकि कैश बुक कह रही है कि हमारे मुताबिक बैलेंस पड़ा हुआ है 1250 का, तो फ़र्क क्यों आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है 1250, जब ना बताया हो फेवरेबल या अनफेवरेबल तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फेवरेबल लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताया हुआ है 1360, तो फ़र्क कितना आ रहा है, दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 110 का। कहता है ये फ़र्क क्यों आ रहा है, पहले देखते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऑफ 110। कहता है ये फ़र्क इसलिए आ रहा है कि 110 की अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। देखिए अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स तो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, ऐसा ही है ना, और अगर कैश बुक में रिकॉर्डेड होती हैं तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आना चाहिए था, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम आना चाहिए था, लेकिन अनक्रेडिटेड लॉजमेंट की वजह से ये फ़र्क नहीं आ रहा। अगर अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स होती तो कैश बुक का तो बैलेंस ज़्यादा आ रहा होता, जबकि कैश बुक का बैलेंस तो कम आ रहा है, ये नहीं है। वालेकुम सलाम। बैंक चार्जेस जो हैं वो $110 के हैं, नॉट यॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए अगर बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड ना हुए हुए होते तो कैश बुक का बैलेंस ओवरस्टेट किया होता, ज़्यादा आ रहा होता,
जबकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, जबकि बैंक चार्जेस तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि बैंक चार्जेस की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कैश बुक का तो बैलेंस कम आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर। बैंक इंटरेस्ट रिसीव 55 क्रेडिट इन द कैश बुक। कहते हैं बैंक ने आपको 55 का इंटरेस्ट दिया है तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है। उसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 55 से। तो आप जब बैंक स्टेटमेंट बना रहे थे या कैश का लेजर बना रहे थे, आप जब कैश का लेजर बना रहे थे तो डेबिट साइड पे आना चाहिए था ना ऑपोजिट रीज़न इंटरेस्ट इनकम। आपने डेबिट साइड पे नहीं लिखा बल्कि उल्टा इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। दोबारा अगर आप देखें, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 55 क्रेडिटेड इन द कैश बुक। तो कोई चीज़ अगर डेबिट ना की हो, उल्टा क्रेडिट कर दी हो, तो फ़र्क डबल अमाउंट का पड़ जाता है। इसका मतलब है कैश बुक की डेबिट साइड डबल अमाउंट से क्या हो गई है? कम हो गई है। यही तो वजह है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस 110 से कम आ रहा है, कि आपने इंटरेस्ट रिसीव जो कि डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट साइड पर डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, गलत किया। इसी वजह से कैश बुक की डेबिट साइड 110 से शॉर्ट होगी, जबकि कैश बुक का बैलेंस 110 से फेवरेबल कम आ रहा है। यही तो आंसर है। डी चेक कर लेते हैं। डी में वो कह रहा है अ डिसऑनर्ड चेक फॉर 55 विच द बिजनेस डिड नॉट नो अबाउट अंटिल इट वॉज रिटर्न आफ्टर द डेट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। कहता है ये फ़र्क इसलिए आ रहा है कि डिसऑनर्ड चेक था। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 223। कहता है बिजनेस हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑन इट्स कैश बुक ऑफ $148। कहता है डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है। बट द बैंक स्टेटमेंट शोज अ डिफरेंट बैलेंस। कहता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और आ रहा है। अच्छा, क्यों आ रहा है? वो रिकनसिलिएशंस की वजह दी हुई है उसने। बैंक स्टेटमेंट शोज दैट देयर वर बैंक चार्जेस ऑफ $10 विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड कैश अकाउंट। कहता है बैंक ने चार्जेस किए हैं, बैंक चार्जेस काटे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हुए। हमें पता है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 25 मिस्टेकनली ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। कहता है बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर दी है $25 की, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। चेक्स टोटलिंग 125 हैड रिटन एंड सेंट टू सप्लायर बट नॉट बीन प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। चेक्स फॉर 85 पेड इनटू द बैंक बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट? कहता है आप बताएं कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्या बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। चलें जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्या बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, पहले हम लोगों ने देखना है कैश बुक का बैलेंस क्या दिया हुआ है। तो पहले कैश बुक का लिखते हैं, फिर बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का लिखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है $148। ऐसा ही है, आइटम्स लिख लेते हैं हम। बैंक चार्जेज हैं 10 के, 25 के आपके स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स हैं, एसओ से मुराद स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स हैं, 125 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं और 85 के अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं। ठीक है, इन वजह से दोनों के बैलेंसेस आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो चुके हैं। कहता आप बताएं बैलेंस क्या आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, अब कैश बुक को हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकल आए, तो अब हम प्लस माइनस के साइन लगाएंगे। देखें, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का कम नहीं हुआ। अब कैश बुक के बैलेंस के ज़रिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, तो बैंक चार्जेस कैश बुक में से माइनस कर लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की वजह से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक का नहीं हुआ। अब कैश बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है तो कैश बुक का भी कम कर लेते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, बैंक स्टेटमेंट का कम नहीं हुआ। अब चूँकि बैंक स्टेटमेंट का कम नहीं हुआ, कैश बुक का कम कर लिया, तो कैश बुक के ज़रिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है तो हम ऐड कर लेते हैं। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की वजह से कैश बुक का बैलेंस आपने इंक्रीज़ कर लिया कि पैसे आ गए कस्टमर से, लेकिन अभी तक वो बैंक में पैसे नहीं आए, चूँकि क्लियरिंग में चेक पड़े हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, तो हमने जो ऐड कर लिया है कैश बुक में से माइनस कर लेंगे ताकि हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुँचे।
तो 148 माइनस 10 माइनस 25 प्लस 125 माइनस 85 तो हमारे पास 153 पॉजिटिव में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। पॉजिटिव बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि फेवरेबल होता है। मेक सेंस? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ $210। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि आपका नेगेटिव बैलेंस है, आपने हमें पे करना है। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स आर 30 एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स आर 83। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स दिए हुए हैं। कहता है अ डिसऑनर्ड चेक फॉर 28 वॉज इंक्लूडेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैज़ नॉट बीन रिटर्न इन टू द कैश अकाउंट। कहता है डिसऑनर्ड चेक हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक? कहता है करेक्ट बैलेंस निकालें कैश बुक का। तो हमें सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है अ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ 210 ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 210। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हमें दिए हुए हैं 30 के, अनप्रेजेंटेड चेक हमें दिए हुए हैं 83 के, डिसऑनर्ड चेक हमें दिया हुआ है 28 का। अच्छा, अब पूछा क्या है उसने? कहता है करेक्ट बैलेंस निकाल के बताएं। और आपको पता है ना करेक्ट बैलेंस का मतलब क्या है? करेक्ट बैलेंस का मतलब होता है 100% अप टू डेट बैलेंस। अब सबसे पहले हमने देखना है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? बैंक स्टेटमेंट का। इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने आइटम होंगे वो इसमें रिकॉर्ड हुए हुए होंगे, दोबारा नहीं छेड़ने। तो डिसऑनर्ड चेक तो रिकॉर्डेड है, दोबारा नहीं छेड़ना। हाँ, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में अप टू डेट करना है। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ये बैलेंस नेगेटिव में है। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की वजह से बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर में जब अमाउंट आएगी तो बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। तो माइनस 210। तो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की वजह से कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस कम हो गया, तो बैंक स्टेटमेंट का भी नेगेटिव बैलेंस कम करेंगे, चूँकि ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करनी है, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, तो ऐड करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज़ है, आज नहीं तो कल पैसे बैंक से भी निकल जाएंगे, अप टू डेट करें तो बैंक का भी बैलेंस नेगेटिव इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ करने के लिए माइनस करेंगे। ये नहीं होना, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमने करेक्ट बैलेंस निकालना है। तो माइनस 210 प्लस 30 माइनस 83, तो ये आंसर आपका आया 263 माइनस में। इसका मतलब है कि ए आंसर है ओवरड्रॉन। मेक सेंस?